यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाए सबसे पहले सबसे आगे। हरिहरगंज प्रखंड के महाराजगंज स्थित ल्यूमिनियस मेंटस अकादमी विद्यालय परिसर में विज्ञान प्रदर्शनी मेले का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर अपना अपना मॉडल प्रस्तुत किया। स्कूली छात्र छात्राओं ने स्टॉल लगाकर ग्रीन हाउस, ग्रीन सिटी, विज्ञान प्रदर्शनी, कला प्रदर्शनी, मनी प्रिंटर, स्मार्ट हाईवे, हाइड्रोलिक पंप, मॉडर्न पार्किंग, एटीएम सहित अन्य कई तरह के मॉडल प्रस्तुत किया। इसके पहले कार्यक्रम का उद्घाटन कुटुंबा के पूर्व विधायक ललन भुइयां, स्कूल के निदेशक डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा, पूर्व प्रधानाध्यापक रामेश्वर सिंह, बिंदेश्वरी सिंह, कैलाश पाठक ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित व फीता काटकर किया। मौके पर कुमारी डिंपल द्वारा स्वागत गान गाकर अतिथियों का स्वागत किया गया। अपने संबोधन में विधायक ने कहा कि विज्ञान मॉडल से बच्चों में जागरूकता और नई सोच विकसित होती है। छात्रों का अनुशासन में रहकर पढ़ाई करनी चाहिए। विज्ञान मॉडल प्रस्तुत कर छात्रों ने जो प्रतिभा दिखलाई है वह काफी सराहनीय है। वहीं विद्यालय के निदेशक डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि स्कूल परिसर में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन बड़े ही धूमधाम से समय समय पर किया जाता रहा है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि विज्ञान प्रदर्शनी से छात्रों के अंदर सर्वांगीण विकास होता है। साथ ही कहा कि विज्ञान प्रदर्शनी लगाने का केवल उद्देश्य बच्चों को खुश करना नहीं बल्कि उन्हें विज्ञान की सही जानकारी देना है। उन्होंने छात्रों द्वारा लगाई गई विज्ञान प्रदर्शनी का जमकर तारीफ की, साथ ही साथ अभिभावकों ने भी खूब सराहा। मौके पर काफी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं के अलावा उनके अभिभावक व स्थानीय गणमान्य नागरिक मौजूद थे।